मैं इस श्रेष्ठता के बारे में आज आपको कहते हैं, सुबह सुबह मैंने कहा था सुबह के साधना में कि जो इस गुरु साधना को संपन्न करेगा उसको गुरु में देवी देवताओं का दर्शन होगा, उसको जल में कल में जहां भी वो देखता है उस देवी देवताओं का जिसका स्मरण करता है उसका दर्शन होगा, ऐसा मैंने आपको कहा था। क्या इसका उदाहरण हमें मिल सकेगा? मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका प्रत्यक्षीकरण करें, इसको देखें। और मैं बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए, आजकल गुरुओं की कोई कमी नहीं है, और सच्ची बात तो ये है, मैं आपको एक बात स्पष्टता से कहना चाहता हूँ, मेरे को गुरु कहलाने का कोई शौक नहीं या मैं गुरु हूँ इस बात का भी मैं नहीं कहता। केवल मेरा उद्देश्य ये था कि गुरु जी ने जिस सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी उस साधक शब्द को लेकर, गुरु जी ने कोई गुरु सिद्धाश्रम शिष्य परिवार की साधना नहीं, साधक परिवार की साधना की थी। और गुरु जी साधनाओं के प्रति बहुत ही श्रेष्ठता के साथ साधनाओं के प्रति वे एक कटिबद्ध थे और साधनाएं करके तपस्वी बना के ऋषियों को, ऋषि परंपरा को चलाकर एक महान श्रेष्ठता को इस समाज में निर्माण, समाज का निर्माण करना चाहते थे। वो साधक एक छोटे छोटे घरों में रहता है, गरीब है, उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता। आजकल ऐसे नहीं है, बहुत पीठाधिपति बहुत बड़े बड़े गुरु हैं जिसमें सामान्य जनता उनके पास जा भी नहीं सकती। साधना पूछना तो दूर की बात, अगर वो दूर गए तो ऊपर से अक्षत फेंक कर कह देते हैं कि जा, वो साधना हम बात करना या ज्ञान के बारे में बात करना हमारी बस की बात नहीं। ऐसे समय में गुरु जी ने मंत्र तंत्र इंद्र उद्यान की पत्रिका का विमोचन किया। ऐसे समय में जब विज्ञान चैलेंज करता है कि मंत्र तंत्र इंद्र उद्यान को चैलेंज करता है, कहता है कि ये सब नहीं है, सब झूठ है, फरेब है, ऐसे समय में गुरु जी ने कहा था कि मंत्र तंत्र इंद्र विज्ञान है, मैंने देखा है। मैं 18 साल हिमालय की चप्पा चप्पा छान कर योगियों से मिला हूँ और उनके पास उन साधनाओं को देखा हूँ। मैंने सिद्धाश्रम को देखा है जहाँ 2000-50,000 साल तक जीवित व्यक्तित्व तो आज भी विराजमान है, गुरु जी ने कहा कर पहली बार उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से इसका ज्ञान दिया। ऐसे गुरु तत्व को, ऐसे गुरु के हम शिष्य होते हुए भी हमारे में 50 साल से के बाद अपने आप को हम वृद्ध अनुभव करने लगते हैं, बूढ़ा आदमी अनुभव करने लगते हैं, लेकिन गुरुजी में यह नहीं था। गुरुजी कहते थे कि तुम 100 साल जियोगे और 90 साल में भी आप सामर्थ्यवान रहोगे, ये गुरुजी का कथन था। हम कहाँ तक जी रहे हैं, हम आज कहाँ हैं, आज हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? किसी गुरु के पास जाओ, लोग बहुत सारे बदले, तुम अच्छी तरह जियो, तुम सत्यता से जियो, तुम योग करते हुए जियो, तुम भक्ति से जियो, तुम ध्यान करके जियो, ऐसा कहते हैं। अरे वो सारी चीज नहीं आते हैं, इसलिए तो आपके पास आए हैं, ये सारी चीजें करना कैसे ये बताओ। ध्यान नहीं लगता, योग नहीं होता, हमारे से नौकरी करने वाले हैं सुबह शाम रात में भी नौकरी, आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर वाले लोग रात में भी नौकरी करते हैं जिनको अमेरिका से संरक्षण होता है, वो कब रात में साधना करे, कब योग करे, कब साधे करते सुबह जागृत रह के सारी चीजें करे, उनके लिए आप क्या बताते हो, क्या करना चाहते हो कि वो लोग कैसे जिए? आज हमारे भारत की स्थिति ऐसे, नौकरी के लिए सुबह से शाम तक वो नौकरी करता है और सुबह शाम तक मेहनत करता है, रात में सोने के लिए अपने बच्चों को देकर उसको खिलाने के लिए भी नहीं होता, उसके क्या करते हो? उसे योग करने के लिए कहते हैं कहोगे, उसे ध्यान करने के लिए कहोगे, तो उसकी पेट की कैसे चलेगी? गुरु जी इस मार्ग को, गुरु जी ने देखा कि हम ऋषि परंपरा से जिए, ऋषि जंगल में जिया करते थे, ऋषि जंगल के घास फूस खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे और वह ज्ञान को प्राप्त करते थे। कहते थे कि तुम जंगल में भी जियो तो शाम के साथ जियो, तुम्हें ऐसे जीने जिंदगी जीने जीनी नहीं है कि जिसके बारे में तुम हर हमारे आजकल का आपने देखते हैं, हमारी मूलिकाएं, हमारे जंगल में रहने वाले वृक्ष फल फूल पत्ते हमारे लिए सबसे जीवन दान करने वाले, सारे रोगों का निवारण करने वाली शक्तियां हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे को उस ज्ञान से दूर कर दिया गया है, हमारे को ऋषि से, ऋषिकुल से, गुरुकुल से दूर कर दिया गया है। हम 400 साल किसी ऐसे लोगों के हाथों में रहे जो मंदिरों को गिराते गए, हमारे धर्म पर प्रहार करते रहे और उनके धर्म का अवलंबन करने के लिए हमें मजबूर करते रहे। उसके बाद 200 साल आए, गुलाम बन के रहे, वो लोगों ने हमारी सारी संपत्ति छीन ली, वो लोगों ने धर्म को छीना, ये लोगों ने संपत्ति को छीन ली, आज हमें गुलाम बनकर नौकरी करने के ही हम बार बार कहते हैं मुझे नौकरी मिले। तो नौकर क्यों बनना चाहता है, क्यों मालिक नहीं बनना चाहता, क्यों एक श्रेष्ठता की जीवन जीना नहीं चाहता, ये कभी आप सोचते नहीं। आप नौकरी ही करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सिखाया कि गुलाम कैसे बनाया जाता है और गुलाम जीवन कैसा होता है कि वो जो मालिक कहता है उसको देते हुए सुबह से 6 बजे से रात के 12 बजे तक काम करो, घर में जाओ तो खाने पीने के लिए जितना पति पत्नी है और उसके बच्चे हैं उसके उतना ही वेतन दिया जाएगा, वेतन
तेरे शरीर को, तेरा शरीर चलने के लिए जो वे जो ये है उतना ही दिया जाएगा, तुझे ज्यादा कमाएंगे। अगर तेरे माँ बाप भाई बहन है तो तेरे वेतन में उसको उनको जीने जीने की कला नहीं देगा। लेकिन हमारा शास्त्र हमारा गुरुकुल कहता है तू तेरे परिवार को समाज को भी चलाए, ऐसा धन तो प्राप्त करे, इसका मार्ग गुरुकुल बताता है, ऋषिकुल बताता है। हमने वो ऋषिकुल को छोड़ दिया, हमें वो गुरुकुल को छोड़ दिया। मैं बहुत बार कहता हूँ कि एक तो हमारे हमारा धर्म चला गया, बाद में ये लोग आए तो हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया, हमारे आयुर्वेद को नष्ट किया, जो जंगल में जीने की भी कला सिखाते थे उसको निकालकर मिशन स्कूल और मिशन हॉस्पिटलों की स्थापना हो गई और हम हमारे जीवन के एकदम विशेषता को छोड़ दिए। आज भी हम बहुत सारे लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाएं, हमारे चिकित्सा करें, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आयुर्वेद इन सारी चीज़ों को भी अपने पास कह सकता है। सुश्रुत नाम का वो एक योगी एक ऋषि भी ऑपरेशन किया करता था केवल मूलिकाओं से, उसको भी ज्ञान है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसका ज्ञान अपने पास रखें, लेकिन हम उस ज्ञान से वंचित है और हम नहीं चाहते कि उस ज्ञान के तरफ हम जाएं। हम तो गुलामी करके जीना, गुलामी से जीना पसंद करते हैं। जब तक हम इस चीज को बाहर नहीं लेते, हम जब तक हमारी गुरु परंपराओं को, हमारे देवता के ध्यान को, हमारे देवताओं को प्रसन्न नहीं कर लेते, हमारे देवता वो चीज है, वो चीज है कि तुम्हें सामर्थ्यवान बनाकर एक जगह तुम कहीं जियो तो तुम्हारे परिवार को ही नहीं तुम्हारे समाज को भी जीने की कला सिखाने की ये एक विशेषता हमारे देवताओं में है। देवता वो अलौकिक शक्तियां हैं जो इस शक्ति से भी बाहर करके काम करते हैं और गुरु जी ने इसलिए ही अपने पुस्तक को उत्तरीयों की अलौकिक सिद्धियां ऐसा नाम दिया था। और इस अलौकिक सिद्धियों को किस तरह प्राप्त किया जाता है, हम पीड़ित हैं अपने बच्चों से, अपने पीड़ित हैं हम पति से, अपने पत्नी से, अपने माँ बाप से, कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं ये क्या साधनाओं के पीछे रखा है, नौकरी कर ले, बीवी बच्चे बच्चे पैदा कर काम खत्म हो गया। वो नहीं चाहता कि एक परंपरा को हम चलाएं, हम समाज को चलाएं, हम नहीं चाहते। हम अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी शादी नहीं हो रही है, तुम एक बार करके देते हो तुम्हारे में अगर आकर्षण आता है तो लाइन लड़के अप्सराएं तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, कभी तुमने प्रयत्न ही नहीं किया, तुम वो गुरुकुल को गए ही नहीं, तुम उस गुरु परंपरा को प्राप्त करे ही नहीं, तुमने क्या गुरु के चरणों में तुम्हारा सर झुकाया, उस प्रेम और उस भावना से एक बार झुका दो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। मैं यही कहता हूँ कि आज जो सुबह तुमने तुमको साधना दी थी उसमें मैंने ये कहा था कि गुरु में देवी देवताओं को देखने का प्रयत्न करो, गुरु में सारी देवी देवताएं जो योग्य गुरु है उसमें सारी देवी देवताएं निहित है, वो अपने साथ लेकर घूमता है और अपने शिष्यों को देना चाहता है। लेकिन अपन हम गुरु को एक मानव शरीर के रूप में देखते हैं, वो मानव शरीर है, वो भी हमारे साथ पैंट शर्ट डालता है, खाता है, जाता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन हम जब तक इन चीज़ों को नहीं देखते तब तक अष्टमा सिद्धियाँ हमारे साथ नहीं है। अष्टमा सिद्धियों का अर्थ होता है हम जीते हुए हजारों लोगों को जीने की कला सिखाने को अष्टमा सिद्धियाँ कहा गया है। और इस अष्टमा सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। यही बात एक बार स्वयंभू नाम के मनवंतर ने स्वयंभू नाम के ऋषि हुए उस स्वयंभू ऋषि के पुत्र हुए चाक्षुष्म के वैवस्वत मनवंतर और उनके दो पुत्र हुए थे प्रियव्रत और उत्तम पाद। इस प्रकार ये एक परंपरा चलती रही, लेकिन जब वो परंपरा से लेकर पृथ्वी पर आए तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, सारी पृथ्वी दिख रही थी, समुद्र था, पशु पक्षी थे, पेड़ आदि थे, क्या क्या करें, कभी भूख लगती तो उन्हें लगता भूख के लिए क्या करना चाहिए, भुट्टे खाने चाहिए, और बाद में देखते हैं तो शेर है, सिंह है, वो खाने के लिए आ जाते हैं, मारते हैं, शरीर से रक्त निकलता है, उसके बाद शत्रुओं का निर्माण हुआ, शत्रुओं आकर खाने लगे, अगर ये लोग कुछ धन धान्य निकाल कर रखते थे तो शत्रु आकर लूट लेके जाते थे। इन सारी चीज़ों को जब वो देख कर तंग आ गए तो उस मनवंतर में उस मनु ने उस देवता ने कहा कि मेरा भाग्य कैसा होगा। वो ब्रह्मा की प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मदेव कि तुमने तो हमें जन्म दे दिया, हम इस संसार में आए, लेकिन हमारी पत्नी हमारी परंपरा हमारे बच्चे होते तो हमें रोज ये भय रहता है कि कहीं वो मर ना जाए, कहीं उसको कोई पशु ना मारे, कहीं उसको विष की बाधा ना हो, कोई सर्प ना काटे, ये बाधा हमेशा हमें बनी हमारे हमें खाते रहती है, इसके लिए क्या मार्ग है। तब ब्रह्मा कहते हैं कि मैं हो या शायद विष्णु हो, शायद महेश्वर हो, हम तीनों का जन्म उस आदिपराशक्ति माँ भगवती से ही हमारा जन्म हुआ है, तुम भी उस भगवती की साधना करो, तुम उस भगवती को प्रार्थना करो, वो तुम्हारी हर क्षण हर जगह तुम्हारी रक्षा करेगी। वो कहते हैं उस देवी की हम साधना किस तरह करें, क्या करने से हमारी वो साधना संपूर्ण होगी। तब ब्रह्मा कहते हैं कि पहली बार उस प्रियव्रत को जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे उनको कहा कि तू
एक बार माता भगवती का चिंतन करते हुए वाग्भव बीज का मंत्र कर, वाग्भव बीज ऐम बीज अक्षर को कहते हैं, ऐम बीज अक्षर को वाग्भव बीज कहते हैं, तो उसका मंत्र जप कर तेरी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। उस मनु ने, उस प्रियव्रत ने अपने जीवन में जब असमर्थ था, जो कहीं जाने के लिए डरता था, अपने बच्चों के लिए डरता था, अपने जीवन यापन के लिए डरता था, कैसा हो डरता था, जैसे ही उन्हें वाग्भव बीज का बहुत सारा जप किया,